गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. टुडे आई विल टीच यू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास थर्ड एक्सरसाइज फिफ्थ फ्रॉम चैप्टर सिक्स मल्टीप्लीकेशन. सो स्टूडेंट्स, आपने मल्टीप्लीकेशन में पहले क्या किया था? टू डिजिट्स को वन डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था. आज हम क्या करेंगे? टू डिजिट्स नंबर को टू डिजिट्स नंबर से ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करते हैं हम नोटबुक में, सॉरी बुक में ही करते हैं आज हम. ओके स्टूडेंट्स, देखिए पहले आपको क्या करना है. वंस के प्लेस में आपको क्या दिया है? फोर. टेंस के प्लेस में आपको क्या दिया है? थ्री. ओके, अब सेकंड नंबर क्या है हमारा, किससे हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है? 34 को 12 के साथ. वंस के प्लेस में टू, टेंस के प्लेस में वन. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि किससे करेंगे? फर्स्ट डिजिट से. फर्स्ट क्या है? टू. वंस के प्लेस में टू. टू को हम पहले फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टू को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो में आपने क्या लिखना है? टू से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिखना है. तो टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स. ओके स्टूडेंट्स, पहले रो में आपने टू से मल्टीप्लाई करके लिखना है. देन आपने क्या करना है? वंस के प्लेस में आपने मल्टीप्लाई किया था, तो हमने वंस से स्टार्ट किया था. अब वन क्या है? टेंस के प्लेस में है, तो हम वंस के प्लेस में क्या लगा देंगे? जीरो. तो हम स्टार्ट करेंगे टेंस के प्लेस से. वन को फोर से करेंगे मल्टीप्लाई, वन फोर द फोर. वन को थ्री से करेंगे, वन थ्री द थ्री. ओके स्टूडेंट्स, वन फोर द फोर, वन थ्री द थ्री. ये था हमारा फर्स्ट डिजिट्स टू से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा था. ये क्या है हमारा? वन से हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे. अब एट में जीरो को प्लस करेंगे तो हम एट, सिक्स में फोर को प्लस करेंगे टेन, टेन का जीरो, वन कैरी थ्री पे, थ्री और वन फोर. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने किया इसे प्लस, तो हमारा ये क्या है? आंसर. ऐसे ही अपने सेकेंड क्वेश्चन करना है. देखिए करते हैं. पहले 5 को 9 से करना है, फिर 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है. चलिए करते हैं. 5 9 जा 45. 45 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 5. 4 क्या आएगा? 4 के ऊपर कैरिंग. ओके स्टूडेंट्स, आप साइड में भी लिख सकते हो या फिर ऊपर भी कैरिंग लगा सकते हो. अब क्या करना है हमने? 5 को 4 के साथ, 5 को 4 से करेंगे. 5 4 जा 20. 20 को में 4 प्लस करेंगे, 20 में 4 प्लस किया तो 24. टेंस के प्लेस में 4, 100 के प्लेस में 2. देन हमने अब क्या करना है? हमने वंस से आपको डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, तो हमने यहां से स्टार्ट किया था. अब हमने क्या करना है? टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम टेंस से स्टार्ट करेंगे. वंस के प्लेस में हम या तो क्रॉस लगा देंगे या फिर हम जीरो लगा देंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, आपने जीरो लगानी है या क्रॉस लगाना है. अब क्या करेंगे? 2 को 9 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 18 का 8. आप ये वाला कैरिंग रफ भी कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने ये वाला कैरिंग रफ कर दिया है. हम नेक्स्ट जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका कैरिंग हम लगाएंगे. 2 9 जा 18, 18 का 1 कैरिंग. ओके, 2 4 जा 8, 8 में 1 को प्लस किया 9. अब हम इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे दोनों को. 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस है, तो 5 का 5, 8 और 4, 8 को 4 में प्लस करेंगे, देन क्या आएगा? 12, 12 का 2, 1 कैरिंग, 9, 10, 11 और 1, 12. 9 और 2 कितना होता है? 11 और 1, 12. यहाँ पे क्या आ गया? 12, 25. अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन. हमने क्या करना है? 7 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 7 3 जा 21, 21 का 1, 2 कैरिंग. 7 7 जा 49, 49 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 51, 51 का 51. यहाँ पे क्या लगाना है हमने? क्रॉस या फिर जीरो. 3 3 जा 9, 7 3 जा 21. यहाँ पे कोई कैरिंग नहीं था सेकंड रो के लिए, तो हम क्या करेंगे? 7 3 जा 7 को 3 पे भी हम काउंट कर सकते हैं या फिर
थ्री का टेबल हम सेवन तक भी काउंट कर सकते हैं, सेवन थ्री जा या थ्री सेवन जा 21। अब हम क्या करेंगे इसे प्लस, वन का वन नाइन और वन टेन, वन कैरिंग फाइव सिक्स वन सेवन, टू का टू। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करेंगे डी क्वेश्चन, थ्री का टेबल एट तक काउंट करेंगे, थ्री एट जा 24, फोर टू ऊपर कैरिंग लग जाएगा। अब क्या आएगा थ्री नाइन जा, थ्री नाइन जा कितना होता है 27, 27 में टू को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27 के बाद 28 और 29, 29। ओके, देन हमने यहाँ पे क्या लगाना है क्रॉस, वंस के प्लेस में क्रॉस, टेंस के प्लेस से हम अब करेंगे मल्टीप्लाई, फोर एट जा 32, ये वाला कैरिंग क्या करेंगे हम रफ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, फोर एट जा 32, 32 का टू थ्री कैरिंग, फोर नाइन जा 36, 36 में हम थ्री को प्लस करेंगे क्या आएगा 39। अब क्या करेंगे हम दोनों को प्लस, फोर नाइन और टू कितना होता है नाइन और टू 11, वन कैरिंग नाइन और टू 11 और वन 12, वन कैरिंग थ्री और वन 4। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आज हमारे फोर क्वेश्चंस, आपने ये अपनी नोटबुक्स में करने हैं। ओके, थैंक यू।